सबको शुभोदय। कैसे हैं प्यारे बच्चों? सब लोग ठीक है ना? आशा करती हूँ कि आप लोग ठीक ही हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को कोरोना बीमारी के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। रोज़ रोज़ कोरोना बीमारी बहुत तेज से बढ़ती जा रही है, इसलिए हम लोगों को अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए। इसलिए आप बार बार अपने हाथों को सैनिटाइजर से वॉश कर लेना चाहिए और बाहर जाते समय अवश्य मास्क पहनना मत भूलिए और सोशल डिस्टेंस भी मेंटेन करना मत भूलिए। ठीक है, चलिए। कैसी गुजर गई आपकी गर्मी की छुट्टियाँ? बहुत मस्ती कर रहे हो ना? मुझे मालूम है आप लोग बहुत मस्ती करते रहेंगे। ठीक है, मैं आप लोगों से कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूँ। ठीक है, हाँ ओके। किस महीने में आपको गर्मी की छुट्टियाँ मिल जाती है, क्या बता सकते हो? किस महीने में आपको गर्मी की छुट्टियाँ मिल जाती है? कौन से महीने में मिलती है आपको? मई महीना में आपको गर्मी की छुट्टियाँ मिल जाती है। ठीक है, आप सब लोग मई महीने के लिए इंतज़ार करते हैं ना? क्यों इंतज़ार करना चाहिए? क्योंकि मई महीने में हम लोगों को स्कूल से छुट्टियाँ मिल जाती है, इसलिए हम लोग मई महीने के लिए बहुत इंतज़ार करते हैं। क्यों इंतज़ार करते हैं? क्योंकि हम गर्मी की छुट्टियों में इधर उधर जाने का कार्यक्रम बना रख लेते हैं। क्या बता सकते हो आप अपने रिश्तेदारों में से किसके घर जाने के लिए बहुत पसंद करते हो? चाचा चाची के घर, नाना नानी के घर या मामा मामी के घर? किसके घर जाने के लिए बहुत पसंद करते हो, बता सकते हो? मुझे तो मेरे नानी के घर जाने के लिए बहुत पसंद है, क्योंकि नानी मुझसे बहुत प्यार करती है, इसलिए मुझे भी मेरे नानी के घर जाने के लिए बहुत पसंद है। आपको भी पसंद है ना अपने नानी के घर जाने के लिए? हाँ बिल्कुल। ठीक है, आज मैं आप लोगों को नई कविता शुरू करने वाली हूँ। क्या शुरू करने हूँ? नई कविता शुरू करने वाली, क्या बता सकते हो उस कविता का नाम क्या है? उस कविता का नाम है नानी का घर। क्या है उस कविता का नाम? नानी का घर। और उस कविता का रचयिता है कौन? है रचयिता रूपचंद्र शास्त्री मायण। कौन है रचयिता? रचयिता का नाम क्या है? रचयिता यानी राइटर रूपचंद्र शास्त्री मायण इज द राइटर ऑफ दिस पोयम। ठीक है, आप लोगों को मालूम है होगा नानी। नानी का मतलब क्या है इधर? नानी का मतलब ग्रैंड माँ। नानी का मतलब ग्रैंड माँ। नानी का मतलब ग्रैंड माँ। इधर है घर। घर यानी हाउस। घर यानी हाउस। यानी नानी का मतलब ग्रैंड माँ। घर यानी हाउस, ग्रैंडमास हाउस। ओके, नाउ लेट्स। इधर इस कविता में प्राची नाम की एक लड़की है। क्या है उस लड़की का नाम? प्राची नाम का एक लड़की है। इधर लड़की क्या कर रही है? लड़की स्कूल में बैठकर ही अपनी नानी जी की याद कर रही है। क्यों याद कर रही है? क्योंकि अब याद कर रहे हैं और गर्मी की छुट्टियों के लिए वहाँ बहुत इंतज़ार कर रहे हैं। क्यों इंतज़ार कर रहे हैं? क्यों मई महीने के लिए बहुत इंतज़ार कर रहे हैं? क्योंकि प्राची हर मई महीने में अपनी गर्मी की छुट्टियों में अपने नानी के घर जाती थी और वहाँ बहुत मस्ती करती थी, इसलिए प्राची मई महीने के लिए बहुत बहुत इंतज़ार कर रही है। चलिए अब कविता के बारे में जान लीजिए।
मैं आप कविता पढ़ती हूँ, आप ध्यान से सुनिए। मई महीना आता है और जब गर्मी बढ़ जाती है, मई महीना आता है और जब गर्मी बढ़ जाती है, नानी जी की घर की मुझको बहुत याद सताती है। फिर से पढ़ती हूँ, ध्यान से सुनिए। मई महीना आता है, मई महीना आता है और जब गर्मी बढ़ जाती है, और जब गर्मी बढ़ जाती है, नानी जी के घर की मुझको, नानी जी की घर की मुझको बहुत याद सताती है। इधर देखिए, इधर क्या हो रहा है, मई महीना आते ही, मई महीना, इधर मई महीना का मतलब क्या है, मई महीना यानी मई का मतलब मई, महीना का मतलब मंथ यानी मई मंथ, मई महीना का यानी मई मंथ। ओके, और क्या होता है मई महीने में, क्या आप बता सकते हो मई महीने में क्या होता है? मई महीने में बहुत गर्मी बढ़ जाती है। गर्मी, गर्मी का मतलब क्या है, गर्मी का मतलब यानी हॉट, समर, समर, समर सीजन। ओके, मई महीने में क्या होता है, गर्मी बहुत बढ़ जाती है ना, ओके, दैट इज समर सीजन। और नानी जी के घर की मुझको बहुत याद सताती है। इधर प्राची क्या बोल रही है, नानी जी की घर की याद मुझे बहुत सता रही है। क्यों सता रही है नानी जी का याद, क्योंकि हर गर्मी की छुट्टियों में नानी का, प्राची कहाँ जा रही थी, अपनी नानी के घर जाती थी और उसके संग खेलती थी। इसलिए प्राची फिर से अपनी नानी के घर जाने के लिए मई महीने का इंतज़ार कर रही है। किसके लिए इंतज़ार कर रही है, मई महीने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। क्यों इंतज़ार कर रहे हैं, नानी के घर जाने के लिए, नानी के साथ खेलने के लिए, नानी के हाथों में आइसक्रीम खाने के लिए बहुत इंतज़ार कर रहे हैं। आप लोग भी इंतज़ार करते हैं ना, आप लोग भी इधर हॉस्टल में रहते हैं, है ना, आप लोग भी इधर हॉस्टल में, जब आपको भी अपने माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची या मामा मामी का याद आए तो आपको कैसा लगता है, बहुत उदास लगता है ना। इधर भी प्राची को भी अपनी नानी की याद आकर बहुत उदास लग रही है, ठीक है। इधर आपको भी जब अपने परिवार लोगों का याद आता है तो आपको कैसा लगता है, बहुत उदास लगता है। आप क्या सोचते हो, क्लास में बैठ कर ही सोचते हैं, फिर कब हार्डेस हमको मिलेगी, हम कब फिर घर जाते हैं और अपने परिवार वालों के साथ कब मिलते हैं, यह सब सोचते रहते हो। जैसे इधर प्राची सोच रहे हैं, है ना, आप लोग सोचते हैं ना, हाँ ठीक है। देखिए, अब यह मालूम हो गए ना, मई महीना का मतलब मई मंथ और गर्मी, गर्मी का मतलब हॉट यानी समर सीजन, और बहुत, बहुत का मतलब इधर ज़्यादा, और मुझको, मुझको मीन्स फॉर मी, बहुत याद सताती है। वी आर रिमाइंडिंग दैट ऑल बट व्हाट इंसिडेंट्स वी प्लेड विद अवर फैमिली मेम्बर्स और व्हाट स्पेंडेड विद अवर फैमिली मेम्बर्स, दैट ऑल वी आर रिमाइंडरिंग, दैट इज ओके। नेक्स्ट और अगला, तब मैं मम्मी से कहती हूँ, तब मैं मम्मी से कहती हूँ, नानी जी के घर जाना है। फिर से बोलती हूँ, ध्यान से सुनिए। तब मैं मम्मी से कहती हूँ, नानी जी के घर जाना है, नानी के प्यारे हाथों से आइसक्रीम भी खाना है। देखिए, तब मैं मम्मी से कहती हूँ, नानी के घर जाना है और नानी के प्यारे हाथों से आइसक्रीम भी खाना है। देखिए इधर, इधर प्राची को जब नानी के घर याद बहुत सताती है तो वह तुरंत अपने माँ के पास, मम्मी, मम्मी यानी माँ के पास जाकर शिकायत कर रही है। क्या शिकायत कर रही है, मुझे नानी के घर जाना है तो ले चलो, आप भी कुछ चाहे तो अपने मम्मी के पास जाकर शिकायत करते हैं ना,
इसी तरह प्राची भी मम्मी के साथ जाकर शिकायत कर रही है, मुझे भी मेरी नानी के पास जाना है, मुझे ले चलो। नानी के उधर जाकर क्या करना चाहिए? उधर जाकर नानी के प्यारे हाथों से आइसक्रीम खाना चाहिए। देखिए प्राची क्या चाह रही है इधर। नानी के नानी जब वो गर्मी की छुट्टियों में जाती थी, नानी उसके साथ बहुत अच्छी तरह खेलती थी और रात में उसको कहानी भी सुनाती थी, खिलाती थी और उसके संग खेलती थी, इसलिए और आइसक्रीम भी खिलाती थी। इसलिए प्राची क्या कर रहे क्या चाहती है, फिर से नानी जी के घर जाना चाहती है और इसके प्यारे हाथों नानी माँ के प्यारे हाथों से आइसक्रीम भी खाना चाहते थे। आप लोगों को भी यही आशा होते हैं ना, जब आप भी जाते हैं अपने नानी नानी के घर, उधर भी वो लोग आप लोगों के लिए पसंदीद पकवान बनाकर आप लोगों को खिलाते हैं, है ना, खिलाते हैं ना। जैसे इधर भी प्राची जाना चाहती है। सबको शुभोदय। पिछले क्लास में हम लोग नानी का घर कविता के बारे में जाने हैं। इस कविता में प्राची नाम की एक लड़की अपनी नानी के घर जाने के लिए इंतज़ार कर रही है, ठीक है ना, और मई महीना के लिए इंतज़ार कर रही है। मई महीना का मतलब, मैं खाली बोली थी, मई महीना का मतलब मई महीना के लिए इंतज़ार कर रही है। क्यों मई महीना के लिए इंतज़ार कर रहे हैं? क्योंकि मई महीना में हम लोगों को गर्मी की छुट्टियां मिल जाती है, इसलिए प्राची मई महीना के लिए इंतज़ार कर रही है और अपनी नानी की याद उसको बहुत बहुत सता रही है। ये सब हम फर्स्ट स्टैंजा में सीखे हैं। और सेकंड स्टैंजा में क्या है, देखिए, नानी अपनी जब प्राची को नानी की याद आती है तो तुरंत वह मम्मी के पास जाकर बोल रही है कि मुझे नानी के घर जाना है, ले चलो मुझे नानी के घर जाना है और नानी के साथ खेलना है और नानी के हाथ प्यारे हाथों से आइसक्रीम भी खाना है। ये सब बोलते हैं, किससे बोल रही है प्राची? अपनी मम्मी से बोल रही है। और अब तीसरे स्टैंजा में क्या क्या है आज हम देखते हैं। देखिए तीसरी स्टैंजा में कथा कहानी, मम्मी तुम तो मुझको नहीं सुनाती हो, ध्यान से सुनिए, कथा कहानी, मम्मी तुम तो मुझको नहीं सुनाती हो, नानी जैसे मीठी स्वर में गीत कभी नहीं गाती हो, नानी जैसे मीठी स्वर में गीत कभी नहीं गाती हो। फिर से मैं पढ़ती हूँ, ध्यान से सुनिए, कथा कहानी, मम्मी तुम तो मुझको नहीं सुनाती हो, नानी जैसे मीठी स्वर में गीत कभी भी नहीं गाती हो। देखिए इधर प्राची क्या बोल रहे हैं मम्मी के साथ, मम्मी तुम मुझे कथा कहानी कभी भी नहीं सुनाती हो ना, अगर नानी हो तो रोज सोते समय नानी मुझे कहानी सुनाती है और मुझे सुलाती है, तुम एक बार भी मुझे कथा कहानी नहीं सुना रहे हो। इधर कथा कहानी का मतलब क्या है? कहानी का मतलब क्या है स्टोरीज। आपके घर में भी आपके नाना नानी या दादा दादी कहानी बोलते रहते हैं ना, आपको मम्मी भी बोलते हैं ना। इधर प्राची की मम्मी कहानी नहीं बोल रहे हैं, इसलिए प्राची उदास होकर कह रहे हैं कि मम्मी तुम एक बार भी मुझे एक कहानी भी नहीं बोल रहे हो और सुना रहे हो, अगर नानी हो तो मुझे रोज़ अच्छी अच्छी कहानी सुनाती है।
और आप भी शिकायत करते हैं ना आपकी मम्मी के साथ, मम्मी कुछ कहानी बोलो ना, कुछ एक कहानी बोलो, मुझे सुनना चाहिए, ऐसे जिद करते हैं ना। ऐसी इसी तरह प्राची भी बोल रही है। आओ प्राची क्या बोल रही है देखिए, और एक शिकायत कर रही है। नानी माँ की तरह तुम अच्छी तरह गाना भी नहीं गाती हो। देखिए नानी माँ, अगर नानी माँ हो तो क्या करती है, अच्छी और मीठी स्वर से गाना भी गाती है। तुम एक बार भी कहानी नहीं बोलती हो और गाना भी नहीं, गीत भी नहीं सुनाती हो। जब मुझे कहानी और गीत ये सब नानी माँ सुनाती है, मुझे बहुत पसंद लगते हैं। इसी तरह तुम भी मुझे नानी की तरह कहानी या गीत बोलो माँ। इस तरह प्राची अपनी मम्मी से बोल रही है। हाँ ठीक, कई परिवारों में नाना या दादा दादी ये सब अपने बच्चों के साथ खेलना और उसके साथ समय बिताना बहुत पसंद करते हैं, है ना। ये सब लोग आपके साथ खेलते हैं, जैसे लूडो गेम, जैसे कैरम, ये सब खेलते हैं ना। हाँ ऐसी तरह। और इसमें अब देखिए, अब चौथवी स्टैंड में क्या हो रहा है। मेरी नानी मेरे संग दिन भर खेल खेलती है। मेरी नानी क्या करती है, मेरी नानी मेरे संग दिन भर खेल खेलती है। मेरी नादानी शैतानी हंस हंस रोज जलती है। देखिए फिर से मैं पढ़ती हूँ, ध्यान से सुनिए। मेरी नानी मेरे संग दिन भर खेल खेलती है। मेरी नादानी शैतानी हंस हंस रोज जलती है। देखिए संग, संग का मतलब क्या है, संग संग यानी साथ, विथ मी। नादानी, नादानी का मतलब इनोसेंट, नादानी का मतलब क्या है, इनोसेंट। एंड शैतानी का मतलब क्या है, शैतानी का मतलब यानी नॉटीनेस, शैतानी का मतलब नॉटीनेस। शैतानी का मतलब क्या है, नॉटीनेस। नॉटीनेस आप लोग भी घर में शैतानी करते हैं ना, नॉटीनेस, ऑल आर डूइंग नॉटीनेस ना। हाँ हियर ऑल्सो प्राची क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं मम्मी से देखिए। अगर नानी हो तो मेरे संग दिन भर खेल खेलती है, हर रोज दिन भर सुबह से शाम तक मुझसे खेलती है नानी माँ, मुझसे खेलती है और मुझसे हंसती है और गाना सुनाती है, गीत गाती है, गाना सुनाती है, कहानी सुनाती है, ये सब करती है नानी। और मैं कितना भी शैतानी करूँ, कितना भी उसे सताने पर भी वे मुझसे गुस्सा नहीं होते हैं, मुझसे और हंसती है और खेलते हैं, मुझसे कभी भी गुस्सा नहीं करते हैं। अगर माँ लोग क्या करते हैं, अगर बच्चे लोग शैतानी करें तो क्या करते हैं माँ लोग, ये लोग गुस्सा करके आपको मारते हैं। लेकिन नाना नानी या दादा दादी बड़ों लोग घर में क्या करते हैं, बच्चे भी कितने शैतानी करो तो भी वे चुप रहते हैं और हंसते हैं और उनके साथ भी वे खेलते हैं और उसके साथ समय बिताना उनको बहुत खुश लगता है। उसके छोटी छोटी बातें, उसके नादानी जैसे काम, ये सब बड़े बड़े लोगों को बहुत अच्छा लगते हैं। इधर प्राची भी वही बोल रही है कि अगर नानी माता हो तो ये सब मुझे करती है। माँ तुम तो मुझे कोई कहानी या गीत या मुझसे खेल नहीं खेल रही हो। ओ नानी है तो मेरे सबको नादानी या शैतानी को वो सब से अच्छी तरह से मुझे समझकर मेरे साथ खेलती है और हंसती है। अब यह लास्ट स्टैंड,
मास दिवस गिनती है नानी, ध्यान से सुनिए, मास दिवस गिनती है नानी, आस लगाई रहती है। मास दिवस गिनती है नानी, आस लगाई रहती है, प्राची बिटिया को ले आओ, वे नाना से कहती है। प्राची बिटिया को ले आओ, वे नाना से कहती है। देखिए इधर फिर से पढ़ती हूँ, मास दिवस गिनती है नानी, आस लगाई रहती है, वे नाना से कहती है, प्राची बिटिया को ले आओ। देखिए इधर, हम लोग समझते थे कि केवल प्राची बिटिया को ही अपनी नानी माँ का ख्याल है और नानी माँ के बारे में सोच रही है, लेकिन इधर केवल प्राची ही नहीं, उधर नानी माँ भी प्राची के बारे में सोच रहे हैं। जैसे प्राची सोच रहे हैं, उसी तरह नानी भी प्राची के बारे में सोच रही है। वे भी प्राची के आने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। कब प्राची बेटी आएगी और कब मई महीना आते हैं, कब गर्मी की छुट्टियां मिल जाती है, जैसे प्राची इंतज़ार कर रहे हैं ना, इसी तरह नानी भी उधर प्राची के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। जब छुट्टियां मिल जाए तो प्राची बेटियां इधर आ जाएगी। इसी तरह वो नानी माँ क्या कर रहे हैं, गिन रहे हैं, मास दिवस गिन रहे हैं। मास का मतलब क्या है, मास, मास यानी मंथ, मास यानी मंथ। दिन का मतलब डे, दिन का मतलब डे। और गिनती, गिनती मीन्स काउंटिंग, गिनती मीन्स काउंटिंग। गिनती का मतलब क्या है, काउंट। इधर नानी माँ क्या कर रहे हैं, मास दिवस गिनती रहती है। आज ये तारीख है, कल वो तारीख है, अब ये महीना है, और फिर कितना दिन बाकी है प्राची के आने के लिए, ये सब नानी माँ क्या कर रहे हैं, कैलेंडर को देखकर डेट को गिन रहे हैं कि इतना दिन बाकी है और अभी प्राची आने के लिए, ये सब नानी माँ गिन रहे हैं और आशा कर रहे हैं कब नानी, कब प्राची आ जाएगी इधर। और वे नाना से कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नाना का, नाना मतलब ग्रैंडफादर, और नाना से कह रहे हैं कि कब प्राची बेटिया को कब ले आओगी, चलिए जल्दी प्राची बेटिया को ले आओ, मुझे उनको देखकर बहुत ज़्यादा दिन हो रहे हैं, इसलिए मुझे प्राची बेटिया को देखना है, इसलिए ज़रूर उसे जल्दी ले आइए, ऐसे नानी भी नाना से कह रही है। देखिए नानी को भी कितना प्यार है ना प्राची बिटिया से। देखिए इधर प्राची भी नानी की, नानी से प्यार कर रही है, और नानी भी और प्राची भी नानी से इसी तरह प्रेम कर रही है। देखिए ऐसे, और आपके घर में भी हाँ ऐसे ही इंतज़ार करते हैं ना, जब आप भी हॉस्टल में हो तो, और कई अदर जगह में हो तो भी, आपके परिवार लोगों में बहुत ज़्यादा दिन हो गए तो आपके आने के लिए तड़पते रहते हैं, आपके आने के लिए राह देखते रहते हैं, कब हमारे बच्चे घर आ जाएंगे, कब हमारे बच्चे घर आएंगे और शोर मचाएंगे, और कब हम उनके साथ समय बिताने लगेंगे। ये सब परिवार लोगों ने आपको भी आने के लिए इंतज़ार करते रहते हैं। और ये है इस कविता का सारांश। आपको कोई संदेह रहे तो भी नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास में मीट करके क्या डाउट है उसे अंडरलाइन करके एक बुक में नोट करिए, और जब हम ऑनलाइन क्लास में मिलते हैं तब आप एक एक संदेह यानी डाउट हो तो हमसे पूछ सकते हैं, हम क्लैरिफाई करते हैं। और फिर मैं एक बार शब्दार्थ के बारे में बताना चाहती हूँ। इधर देखिए मई महीना का, यानी इन फर्स्ट स्टैंजा आई एम एक्सप्लेनिंग अबाउट द मीनिंग्स। मई महीना का, मई महीना यानी मे मंथ, और गर्मी यानी समर सीजन, और याद मीन्स मेमोरीज के। और इधर छुट्टियाँ का मतलब क्या है, छुट्टियाँ का मतलब यानी हॉलीडेज। इंतज़ार का मतलब वेटिंग।
और इस कविता में एक लड़की का नाम क्या है, उस लड़की का नाम है प्राची। प्राची किसके लिए इंतज़ार कर रही है? गर्मी की छुट्टियों के लिए और मई महीना के लिए इंतज़ार कर रही है। और दूसरे स्टैंजा में क्या है, मामी नानी के प्यारे हाथों से, प्यारे हाथों मीन्स लवली हैंड्स, आइसक्रीम भी खाना है। आइसक्रीम आप लोगों को मालूम है, प्राची नानी के हाथों से आइसक्रीम खाना बहुत पसंदित है। और कथा कहानी, कथा कहानी का मतलब स्टोरीज। और मुझ नहीं सुनाते हो, नहीं सुनाते हो मीन्स यू आर नॉट लिसनिंग टू मी, यू आर नॉट सेइंग टू मी। और मीठी स्वर, मीठे स्वर, मीठे स्वर का मतलब मीठी, मीठी का मतलब स्पीच, मीठी का मतलब क्या है, स्पीच। और स्वर, स्वर का मतलब वॉइस, स्वर यानी वॉइस। और गीत, गीत का मतलब सॉन्ग। और गाती, गाती मीन्स सिंगिंग। ओके, और फोर्थ स्टैंडर्ड में मेरी नानी संग, संग का मतलब क्या है, संग का मतलब विथ मी, अलोंग विथ मी। दिन भर, दिन भर का मतलब होल डे। खेलती, खेल खेलते मीन्स प्लेइंग, प्लेइंग द गेम्स। नादानी, नादानी का मतलब क्या है, इनोसेंट। नादानी का मतलब, नादानी का मतलब क्या है, इनोसेंट। और शैतानी, शैतानी का मतलब नॉटीनेस। ओके, और हस हस, हस हस का मतलब लव। और अगेन लास्ट स्टैंजा में क्या क्या है, मास दिवस, मास, मास का मतलब क्या है, मास का मतलब यानी मंथ। दिन, दिन का मतलब डे। और गिनती, गिनती का मतलब काउंटिंग। ओके, और नाना जी, नाना, नाना का मतलब क्या है, ग्रैंड पा। ओके, दीस आर द मीनिंग्स इन दिस पोएम। आपको कोई संदेह है तो ऑनलाइन क्लास में मुझसे पूछ सकते हो। धन्यवाद।